शाहरुख खान को इमोशनल मैसेजेस भेज रहे हैं उनके प्रोड्यूसर फ्रेंड विवेक वासवानी। खबर है कि शाहरुख ने विवेक की फरदीन खान स्टार दूल्हा मिल गया में एक स्पेशल अपीयरेंस देने से मना कर दिया था और इसके बाद से ही दोनों के बीच बढ़ गई दूरियां और अब विवेक चाहते हैं कि शाहरुख उनकी फिल्म पूरी करें। विवेक वासवानी ने अपनी फिल्म दूल्हा मिल गया में एक आइटम नंबर करने के लिए शाहरुख को किया था अप्रोच और शाहरुख भी फौरन तैयार हो गए। किंग खान की पॉपुलैरिटी को बनाने के लिए विवेक ने उनके रोल को थोड़ा बढ़ा दिया और किंग खान का कैमियो बन गया फुल फ्लेज्ड रोल। मगर शाहरुख आइटम नंबर के अलावा कोई अपीयरेंस नहीं देना चाहते थे इस फिल्म के लिए और अब सुनने में आया है कि विवेक SMS के थ्रू शाहरुख को याद दिला रहे हैं अपने पुराने दिन। खबर है कि विवेक कर रहे हैं इमोशनल SMS किंग खान को ताकि वो करे उनकी फिल्म को कम्प्लीट। शाहरुख खान जब दिल्ली से पहली बार मुंबई आए तो उन्हें सहारा देने वाले लोगों में से एक थे विवेक वासवानी और शायद यही कारण था कि शाहरुख ओल्ड टाइम से के लिए विवेक की फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देने के लिए तैयार हो गए थे। मगर जब शाहरुख को लगा कि उनका रोल काफी बढ़ा दिया गया है तो उन्होंने फिल्म से हाथ खींचना ही ठीक समझा। शाहरुख खान है अपने करियर के ऑल टाइम हाई पर। एक और चकते इंडिया में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मिला फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड। वहीं शाहरुख के प्रोडक्शन में बनी ओम शांति ओम बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्म। फिलहाल शाहरुख कर रहे हैं करण जौहर की अगली फिल्म माय नेम इज खान जिसमें उनके साथ है उनकी ऑल टाइम फेवरेट को-स्टार काजोल। इसके अलावा बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में मिले शानदार रिस्पॉन्स अपनी क्रिकेट लीग टीम और 100 करोड़ की चिल्ड्रंस फिल्म के लिए भी किंग खान है सुर्खियों में। शाहरुख खान के इस फिल्म के लिए मना करने के बाद विवेक तो काफी परेशान होंगे लेकिन विवेक की फरदीन खान स्टारर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस करने के चांसेस तो बढ़ ही जाते शाहरुख की मौजूदगी से। फिलहाल तो यही लगता है कि विवेक को और मेहनत करनी पड़ेगी शाहरुख को मनाने के लिए। फॉर पारस कोठारी, जूम, मुंबई।